So hey guys, welcome back to the channel. I hope you are doing absolutely well and good evening. So मैं कहाँ जा रहा हूँ आपको थंबनेल से पता चल गया रहेगा मैं कौन से ट्रैक के लिए जा रहा हूँ. यस, इस मेरे मानसून का फर्स्ट ट्रैक है. आज पहले बहुत गर्मी के बाद पहली बार निकल रहा हूँ बाहर घूमने के लिए. मतलब घूम रहा था थोड़ी बहुत आसपास की प्लेसेस, थोड़ा दूर नहीं गया था अभी तक. तो अभी निकलेंगे. तो एक पूरा ट्रैक के ग्रुप के साथ जा रहे हैं हम लोग. कुल मिला के कुछ 35 लोग हैं. अभी सब रास्ते में ऑन द वे मिलने वाले. अभी जाने वाले दादर टी से बस है, वो हमें लेके जाएगी हरिचंद्रगढ़ के बेस्ट विलेज तक. वो है पांचनई विलेज. तो वहां से आगे का ट्रैक है. तो आगे की जर्नी आपको आगे बता दो, क्योंकि मैं बहुत लेट चल रहा हूँ अभी भागने में को दादर टी. सो बाय बाय. सो बेसिकली आई एम लेट एज ऑलवेज. सब लोग आगे अभी पहुंचना है. आई एम नॉट ओनली लेट, मेरे जैसे और 10 लोग भी हैं जो मेरे से और भी लेट हैं, वो आ रहे हैं. तो आई फील हैप्पी कि आई एम नॉट अलोन. लकी बन है, लकी पार्टी है. कैलाश अभी नहीं था, कैलाश आलन है. सर कैलाश आ रहा है, कैलाश अभी तक आया नहीं है, पहुंच रहा है. तो ये हमारी आज की सवारी जो हमें लेके जाने वाली है. तो अभी निकले हम लोग, 8 बजे निकलना था, 9 बजे निकले. Yes. अभी देखते हैं हरिश्चंद्रगढ़ पंचायत विलेज पहुंचने तक कितना टाइम लगता है. लेट्स सी. इट्स 10:30. स्टिल अभी भी हम भिवंडी में ही है. भिवंडी में रोड का काम चल रहा है, इसकी वजह से बहुत ट्रैफिक था. ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटा हमारा ट्रैफिक में चला गया. So finally, after 8 hours, we reached Pachnai village. अभी सब लोग चेंज करें, चेंज करके ट्रैक स्टार्ट करेंगे, नाश्ता करके थोड़ा फ्रेशन अप हो जाएंगे, देन ट्रैक स्टार्ट कर देंगे. भिवंडी में बहुत ट्रैफिक था, उसकी वजह से बहुत लेट हो गया यहाँ तक पहुँचने इधर. तो नाश्ते में कांदे पोहे थे हमारे लिए, और कांदे पोहे खाने के बाद हम निकल गए ट्रैक के लिए. ऐसा कुछ नज़ारा दिख रहा था सामने. तो एट 6:46 वी स्टार्टेड अवर ट्रैक फॉर द हरिचंद्रगढ़. कुछ 1.5 या 2 घंटे का ट्रैक है. तो देखते कितने टाइम में कंप्लीट होता है ऊपर तक पहुँच से. तो ये सबके चलने की क्षमता अलग अलग है. तो कब तक ऊपर जाते हैं, पहुँचने के लिए टाइम लगता है, देखते हैं. यहाँ से 8.5 घंटे का रास्ता रिटर्न. अरे जाने के लिए, वेरी बिग ट्रैक. हरिश्चंद्रगढ़ आप बहुत सारे वे से कर सकते हो, लेकिन पॉपुलर सिर्फ 2 वेज है, खिरेश्वर विलेज और पाचनई विलेज. पाचने विलेज से आप गढ़ तक कुछ 1.5 या 2 घंटे में ही पहुंच जाते हो, और खिरेश्वर विलेज से वही रास्ता आपको 4 घंटे के लिए हो जाता है ऊपर पहुंचने के लिए. और खिरेश्वर विलेज मुंबई कर के लिए पास में है, कल्याण से ही पास में पड़ जाता है. पंचाई के लिए, पाचने के लिए आपको पूरा इगतपुरी घूम के भंडारदरा करके उस साइड जाने के ऊपर जाना पड़ता है. लेकिन अगर पाचने का आप रास्ता कर रहे हो तो किसी ग्रुप के साथ जाना या अपनी खुद प्राइवेट कार करके वहाँ तक चले जाना. पाचनई विलेज में ही आपका रहने खाने का बंदोबस्त हो जाएगा. वहाँ पे गाँव करिए, वो आपका खाने का बंदोबस्त कर देंगे. और अगर आपको ऊपर रहना है, स्टे करना है गढ़ के ऊपर, तो वहाँ पे भी कैंपिंग अवेलेबल है और खाने की चीज़ें भी अवेलेबल है, स्टॉल्स है, होटल, वहाँ पे भी आप रह सकते हो, स्टे कर सकते हो ऊपर आराम से. ऐसे सेफ्टी के लिए रेलिंग्स लगाए हुए हैं कि आप अगर व्यू एंजॉय करना है तो आराम से व्यू एंजॉय कर सकते हो बिना कोई अपनी जान के रिस्क लेके.
ये काका फेमस है यूट्यूब पर। मजा तो एक नंबर आ रहा है। इस कवर से थोड़ा लेंस क्लियर नहीं रहेगा इस बार, इस वीडियो में थोड़ा एडजस्ट कर लेना। बस टेक अ ब्रेक, हैव अ स्नीकर। हवा भी एक देखना पूरा आ रहा है, ऊपर से चालू ही है। अगर पानी का बहाव ज़्यादा हो तो वाटर क्रॉसिंग के लिए ये ब्रिज बनाया हुआ है, उसके ऊपर से हम क्रॉस करके उस साइड जा सकते हैं। अच्छी अवली पोरा असतात ती अशी जातात, एवढा ब्रिज बांधलाय तरी असं नाही, अवली पोरा असतात ही अवली ती असे जातात घालून। जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहे थे वैसे वैसे मौसम और ठंडा होते जा रहा था, और फॉग भी इतना बढ़ रहा था जैसे ऊपर जा रहे थे कि सामने वाले भी दिख नहीं रहा था ठीक से, इतना फॉग धीरे धीरे बढ़ रहा था। पर इतना फॉग है कुछ दिख ही नहीं रहा है पूरा, कुछ व्यू तो साइड का दिखने नहीं वाला। कोकनगढ़ा से देखते हैं क्या व्यू मिलता है वहां से देखने के लिए। टाइम लैप्स भी निकलते कि नहीं पता नहीं, सब ऊपर जाके पता चलेगा। वाटरफॉल एक नंबर लगे रास्ते में, जरूर मजा आ गया। मजा आ गया भाई। विद द बेस्ट ट्रैवल कंपनी कैलाश एंड कंपनी, ओनली इन 500 रुपीज। क्या 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 500 में हरिचंद्रगढ़, 500 में ब्रेकफास्ट लंच डिनर ऑल इंक्लूसिव। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। सब मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा कैलाश के इंस्टाग्राम का। हाँ इंस्टा लिंक दे दूंगा, वो क्लिक करके कैलाश के आईडी को डीएम करना पौधे ट्रेकिंग। हाँ कैलाश तराउड तनावड़े @6969। तो ऊपर भी खाने के स्टॉल्स अवेलेबल है, इनके पास टेंट भी अवेलेबल है, आप टेंट लेके भी स्टे कर सकते हो यहाँ पे। We'll be right back.
जब हम कोकनकड़ा पहुंचे तो पूरा फॉग में भरा हुआ था। जो व्यू देखना था कोकनकड़ा से, जो पूरा सारे अलग गढ़ भी दिखते हैं बाजू वाले, वो कुछ भी देखने नहीं मिले थे, पूरा फॉग में भरा हुआ था। सिर्फ हवा चालू थी जोरदार, तो उसके जो भी फेंक रहे थे सीधा रिवर्स में ऊपर आ रहा था। बड़े वाई के नीचे 10 करोड़ रुपए, अपने पास डब्ल्यू नहीं, अपने पास वाई है, उन वाई के नीचे ढूंढेंगे। लकी और साहिल है ढूंढने के लिए, वो लोग ढूंढेंगे। हे नंदिनी परब है, अरब है वो प्रीति का नाम ले लिया, अरे प्रीति एन ऐश्वर्या हर्षिता। अगले दिन अपने मोहल्ले में ऐश्वर्या। फॉग के कारण ठीक से शूट करने मिला नहीं, तारामट्टी पीक भी जाना था लेकिन वो भी कर नहीं पाए कि ज्यादा फॉग था, ऊपर जाके भी फॉग ही दिखने वाला था, इसलिए वो भी कैंसिल कर दिया। अभी नीचे जाने के लिए निकल रहे। Finally, trek is over. We reach at base Panchay. ये गेट है, ठीक है, हो गया। अभी बजे 2:15। कितने बजे चालू किया था? 7 बजे। कैलाश 7 बजे चालू किया था, 2 बजे नीचे आ गए हम लोग। कैसा होता ट्रेक? एकदम मस्त, मजा आली। वरती दर्शन बंद झालं आपल्या, भोले भगवान, शिव भगवान, शिव भगवान। मेन व्यक्तीच घेऊया आपण बाईक। कशी होती ट्रेक? खूप छान होती, मला तर माझी ड्रीम ट्रेक होती, ड्रीम ट्रॅक होतं। आता परत करायचं? आता पण जाऊ शकते ती, परत आताही करू शकते म्हणजे, पण माझी सोंगडी आहे, त्यांना घरी जायचं, घरी जायचंय चिकन खाऊ। मम्मी स्वतः फीलिंग्स कंट्रोल करते की जाऊ दे। इंस्टा ब्लॉगर कसा होता ट्रेक तुमचा? एकदम भारी, व्हेरी नाइस, व्हेरी नाइस। खूप सारे वॉटरफॉल्स आहेत, हां, खूप छान। अजून सिनिक आहे, हो, ओके, मेसमराइजिंग व्ह्यू, हो, खूप सारा, काय दिसतच नव्हता त्याच्या नादात, एवढा फॉग होता। सो यस, हो गया हरिश्चंद्रगढ़ का ट्रेक, हो करके हम लोग अभी रात को घर पे आ गए। मतलब आते समय भी भिवंडी में ट्रैफिक था हम लोग को लगा था, ऑलमोस्ट रात के 1:30 बज गया मुंबई में पहुंचते, तो ऐसा ही कुछ था। और यस, मेरे को कुछ ज्यादा शूट करने नहीं मिला उधर क्योंकि फॉगी था और बहुत बारिश हो रही थी, उसके वजह से कुछ ठीक से शूट भी नहीं करना। तारामती पीक जाना था लेकिन फॉगी था पूरा, तो ऊपर जाके भी कुछ फायदा तो नहीं था, इसलिए वो भी कैंसिल किया और वहां से निकल गए ऊपर से मंदिर देख के। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबा देना, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब दिस चैनल। ऐसी न्यू वीडियो में लाऊंगा अभी मानसून के, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। तो आज के लिए बस इतना ही रख दे, विद दैट से गुड बाय अलविदा, सायोनारा, सी यू नेक्स्ट वीडियो और द नेक्स्ट डेस्टिनेशन। जहां जाएंगे वहां मिलेंगे, टिल देन बाय बाय।